या तो मुझे आपको लाइन पे लेना आता है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं आता। मुझे तो नहीं आता। मम्मी मेरी अपने लड़के को। हेलो हेलो जी, ये रामतार यादव जी की तरफ से बात हो रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और आई नो 5000 इज़ नॉट अ बिग नंबर, बट मेरे लिए है। आई एम अ पर्सन फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो मुझे अगर मेरा एक सब्सक्राइबर भी है ना तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबके लिए कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, लाइक करते हो, कमेंट्स में बताते हो कि आप लोग को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और आपको कौन से वीडियोज़ पे मेरे रिएक्शन चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आई थिंक सब यूट्यूबर्स के लिए, और मेरे लिए भी है। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर मैं कंटेंट बना के करूँगी क्या। तो आप लोगों ने मुझे बोला था कि एल्विश ने अपनी मम्मी पे कोई पुलिस प्रैंक किया था, तो आज मैं उस पर रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी इंजॉय करना। ओके, लेट्स प्ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेम दिन का अलग व्लॉग। अभी पापा पे प्रैंक करके हम लोग हटे हैं, बट अब ना पापा पे भी प्रैंक किया हुआ है। देख लेती तो मम्मी हमारे जाल में नहीं फंसती, तो हम क्या कर रहे हैं, वो है प्रैंक डे। आज प्रैंक डे हमारा, आज हम मम्मी पे भी प्रैंक कर रहे हैं सेम की एसीपी अवैसे बात करो। एसीपी मम्मी तो पहचान लेगी, एसीपी अवैसे की यूज कर रहा है, कोई और एसीपी बना लेंगे। एसीपी इस बार डीएसपी बन जाता हूं, छोटी रैंक पे आ जाता हूं। डीसीपी भाई, डीसीपी दिनेश दिनेश चौटाला। मम्मी का कह रही, मम्मी का मैसेज, बड़ी लंबी उम्र मेरी मम्मी की, शाम के लिए अपना खाना रख ले। खाने में से मैंने अपना खाना निकालना था शाम के लिए। अब तो देखना पड़ेगा, बचा नहीं बचा। वैसे खाने वाला कोई नहीं, बाहर से खाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे कोई पोस्ट दे और मेरा नाम दे मुझे कुछ महंगा। पोस्ट इज डीसीपी, ठीक है। यशवंत, यशवंत, यशवंत अच्छा लग रहा है। यशवंत, यशवंत खुराना, यशवंत खुराना, यशवंत सिंह। अरे सिंह सिंह मत बचाओ, खुराना को चला करो। ये यशवंत ना वो कहते हैं जो हमारे यशवंत राय के रहो, देख लो भाई। तो ना ना उन्होंने किरसन किरसन रख देते हैं, किरसन किरसन सिंह, किरसन किरसन यादव, किरसन यादव, एसीपी किरसन यादव बात कर रहा हूँ जी। ये एसीपी नहीं, डीसीपी, डीसीपी किरसन यादव जी बात कर रहा हूँ। डीसीपी किरसन यादव बात कर रहा हूँ और ईवी 0001 ऐसे ऐसे करके मम्मी एक बार जी उसको फोन मिलाओ, ठीक है। अरे पहले यू करता है कि लड़ाई झगड़ा करा इन्होंने और फिर बैरिकेड तोड़ के भागे, दारू पी रखे दिन बाढ़ करे, ठीक है ठीक है। मम्मी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मजा आएगा। आंटी तो बाद में समझ ही जाएंगी। हाँ अभी मम्मी के पास भी फोन कर रहे हैं। बदतमीज है यार ये। फोन स्विच ऑफ है। अच्छा मम्मी का दूसरा नंबर है, हमारे बीच में कुछ अलग डिजिटल है, ये वाला मिलेगा, वो लगा मौसी के साथ भी मिल गया, मिल गया। हाँ जी दिखा मत, हाँ हमारी जी। हेलो हेलो जी, ये रामतार यादव जी की तरफ से बात हो रही है। हाँ जी, रामतार यादव जी के घर से बात हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन बात कर रहा है? अबे यार मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ जी, पहले आप उधर से कौन बोल रहा है उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। बाप रे, हाँ जी, ये जो ट्रिपल क्या था ना, HR 26EV 0001, ये जी आपकी गाड़ी है ये? हाँ जी। इसको कौन चला रहा था कल? नहीं आपकी गाड़ी है ना ये, तो रात को कितने बजे? यार आंटी कितनी स्वीट है। एक पच्चीस पे जी, एक कौन चला रहा था इस गाड़ी को? मैं पूछ के बताती हूँ, एक सेकंड रुको। नहीं 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 नहीं, मैं जी ये थाने से बात करूँ, सदर थाने से डीसीपी। हाँ जी, बाप रे। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था जी, आपकी गाड़ी है ना ये, इसको चलाता कौन है? कैसे बोल दे रहा है? तो चला था लड़का है, पर साथ में क्या हो गया? ये रात को 1:30 बजे ये थे गाड़ी में, तीन जने। इनने गाड़ी से पहले तो इनने हाथापाई मचाई पुलिस वालों के साथ और ऊपर से बैरिकेड तोड़ के भागे हैं, क्योंकि इनके पीछे से रिपोर्ट आ रही थी धोलाकुआ साइड से कि उन्होंने वहां पे एक्सीडेंट करा। धोलाकुआ पे जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आगे चल के इनने तोड़े बैरिकेड, वहां पे पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश करी, बट इनमें से एक जना भी नहीं रुका।
ऊपर से हमने इनका पीछा भी कराया, ये गाड़ी फरार हो गई है अब इनका, ये जिसके नाम पे गाड़ी है उसका ये फोन नहीं मिल रहा है, ये उसका बिजी आता बार बार, तो मैंने सारे आपका निकाला है कहीं से घर का। शैतान। नहीं 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 सुनिए सुनिए सुनिए, क्या तो आपको लाइन प्लेन आता है? नहीं भाई मुझे तो नहीं आता। मुझे तो नहीं आता। मम्मी मेरी अपने लड़के को जी बोलो पर मुझे बर्बाद तो करने दीजिए, फिर मैं आपके पास बात करती हूँ। हाँ जी आप करिए जी। उसी नंबर पे कैसे हो रहा है, क्या हो गया फोन ही नहीं उठ रहा। अच्छा कैमरा खुल रहा है, हेलो हेलो रात को अपने घर होंगे ना? हाय ये अखबार में आएगा। डीसीपी का फोन आया था मेरे पास, डीएसपी था, डीसीपी था कृष्ण कुमार। अच्छा कौन से थाने से? कौन से थाने से? थाने से बात कर रहा हूँ। अरे कोई मजाक कर रहा होगा। खा मेरी कसम। कसम क्यों खाऊं मैं? आप अच्छा एक अपनी बात बताना, आपको लगता है मैं किसी का एक्सीडेंट करूंगा? मैं नहीं कर रहा किसी से बात ऐसे, ठीक है ना? और मैं गाड़ी नहीं अभी यहाँ पे, गाड़ी ठीक होने गई है। अरे तो मैं करके आया हूँ तो क्या हो गया? ओ हम तो ऐसे उड़ाएंगे पैसा, साढ़े दाब देंगे पैसे के नीचे। और बता क्या बकवास कर रहा हूँ? हाँ होगा एक्सीडेंट, फिर दुनिया के हुए एक्सीडेंट, सिर्फ दिमाग खराब कर रहे हो यार मम्मा आप तो। अरे तो जवाब उसको फोन करके कह दो ना कि जा जोर है तो पकड़ के दिखा दे, ऐसे कह दो। अरे ऐसे डीएसपी वीएसपी बहुत देखे मैंने, आपको लगता है मैं? अरे यार किस बात की अकड़, उसकी गाड़ी क्या मारी है मैंने कोई? तो कंप्लेंट आई, मैं अपना आप उठ लूंगा। कंप्लेंट आई है फोन करके कह, तेरा नंबर कैसे पहुंच गया उस डीएसपी पे? मेरे तो उसका नंबर, क्या नाम है उसका? हाँ तो उसको फोन करो वापस, उसको फोन करो वापस और उस तनु कहो कि हम तो नू ही करेंगे, पार्ट लेके पाड़ा है। जितना बोला जा रहा है मम्मा उतना कर दो। क्यों मैं, अरे उड़गा आदमी उड़गा हम तय। हाँ मैं लक्ष्य अर्चित, हाँ हम ही थे, हाँ भाई बैरिकेड पे भी लड़ाई हुई, वो भी बताई उसने। हाँ, तोड़ ये तो मुझे तो मम्मा आप खुद बना रहे हो। सही में उसको ये भी पता चल गई? हाँ, अबे यार ये कैसे पुलिस वाले हैं, सिर पर चल रहे, इसका इलाज करता हूँ मेरे को। अब तू बता कहानी की। अरे कहानी हम आ रहे थे वहां से धोड़ा कुआ साइड से दिल्ली से, वहां पे ना पता कौन आ गया एकदम से गाड़ी का आ गया, वो टच हुआ साइड में उड़ के चला गया, हम आके चले गए। क्या हिट एंड रन का केस बना रहे हैं? मुझे नहीं पता उस के कौन सी गाड़ी थी। फॉर्च्यूनर ही तो थी ना, दूसरी दूसरी गाड़ी थोड़ी थी, आदमी था। तुमने मुड़ के भी ना देखा कौन था कौन? ओ मुड़ के क्या देखना इसमें, उड़गा उड़गा साढ़े नौ दारू पी के डोल रहा कोई। आदमी तो मरते रहे मोटे, बड़ा बदतमीज
बदतमीज क्या है, आदमी आदमी मारेंगे तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। बापरे। उसको पुलिस वाले को फोन करो और उसको बोलो कि जो होता हो ना कर ले, और नंबर दे दे मेरा, और उसका नंबर दे क्या तो मेरे को। भाई अभिषेक तुझे ये नहीं पता तू बोल क्या रहा है इस टाइम। वही तो, हम तो जी गांजा पी के ऐसे ही मगन रहे हैं, हमें ना पता हम क्या बोल रहे हैं। चार पैसे वही तो यार मम्मा, इंसान को इंसान तो सब तब समझेंगे ना जब एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हाँ इसका पासवर्ड तो लेके आओ उससे। हेलो मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। उसको जवाब फोन करो, उसको वापस उसको फोन करके बोलो कि क्या कहते हैं क्या नाम था उसका, कृष्ण कुमार कह रहा कि कौन सा थाना है आप, ये वहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, कोई इसी पे ही वो कर दे, मतलब बात करके कर तू छोटे, फिर अभी और बढ़ाऊं। बढ़ाओ भाई, यूं कहो कि फोन काटो। ये देख कि कुतिया ही हो है। कुतिया फोन काटो, मम्मी फोन काट रही है, फिर यहां से जाओ कि अरेस्ट करने आ रहा हूं। हेलो दो मिनट दो, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। तो शैतान है यार। मैं करूँगा डीसीपी कौन था, करण किशन कुमार लगा वाले पीएम तक ब्रोच। अरे भाई किशन कुमार था याद था, आंटी ने कि कुमार थे, कुमार कुमार कुमार। एक दो मम्मी का क्या, तो इसी में आ जाएगा या फिर मैं ही कर देता हूँ भाई। छो में बात करना, करेक्ट करूँगा कॉल है। हाँ जी मैडम, बात नहीं हुई तक। हाँ जी भाई, कौन से थाने से बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ जी सदर थाने से। सदर, एक जिप्सी बेच चुका हूँ मैं, ये इसकी ट्रैक हुआ है यहाँ पे। कौन सा सेक्टर है ये, 75 76 क्या था ये 76 सेक्टर, ये एक्सटेंशन रोड यही है जी, इस टाइम वहीं की लोकेशन दिखा। हाँ जी, क्या कर रहा है? आपको पिछले फोन पे मैंने बता तो दिया जी, ये आदमी उड़ा के आए हैं और ऊपर से पुलिस वालों के साथ बदतमीज, और बैरिकेड तोड़ना, इससे ऊपर क्या होगा। हेलो तू है, मेरी वीडियो ने पकड़ लिया यार। क्या कही आपने अभी, आपने गाली बकी अभी पिछली बार वाली ना ही समझ में। अरे यार इस बार मेरे मुंह से नहीं निकले हेलो। अरे हम कुछ ना कर रहे हैं मोटे, प्रैंक कर रहे हैं यार। पापा के ऊपर तो कर दिया, तेरे ऊपर भी कर दिया, मोटो तू तो घनी टेंशन ले। वही तो बाप रे, ठीक तो ना जाएगा तुझे। अब मैं चक्कर आ गया पड़गी में। इतना ज्यादा मत करे ओवर एक्टिंग, ठीक है चक्कर आ गए। मैं कह रहा हूँ पापा के साथ करा हमने प्रैंक सेम, उसमें मैं एसीपी अभय सिंह था। पापा घर घर आ फिर बात करेंगे आराम से, फिर बात करेंगे आराम से। अगर टेंशन मतलब आपको लगता है मैं बंदा उड़ाऊंगा यार, ऐसे कर्म करेंगे मैंने। अरे बेटा जब पहले वाला फोन है आपसे, आपने सही भी लग रहा था डीएसपी का फोन है। ओके डार्लिंग्स इट्स मी ओनली, ओके बाय, किसी करते फोन पे जल्दी। ये काट दिया इस कमरे में जाओगे तो मम्मी, इस कमरे में जाओगे तो पापा। भाई देखो तुमने बोला यार, अबे भाई पहचान गई मम्मी यार मेरे, मैंने जब कुछ ने बोले हेलो, आपने हेलो ने बसवा दिया मेरे पे। हां और आंटी सी ने कह दी हेलो, ये कह दी हां जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हां और कर सके मीटिंग
भाई को यार दोस्त पकड़ते बाप रे ये मैं इसका एड्रेस देता हूँ ना कहाँ पक रखा है भाई बहुत अच्छा लगा मम्मी के साथ प्रैंक करके बहुत अच्छा लगा पापा के साथ भी प्रैंक करके बट अलग अलग दिन डालूंगा मैं क्योंकि सेम दिन पे अगर मैं अगले दिन करता तो मम्मी को देख लेते तुम पता मेरी मम्मी कितने ब्लॉग्स देखती है और पता लग जाता इसलिए मैंने सेम डे पे ही करा तो कल तो पापा का आया होगा और आज होगा पता तो फिर भी लग गई पता तो फिर भी लगी गई और किसी के पास आज आज प्रैंक डे किसी और के साथ कुछ करना है ऐसे वाला कुछ डीसीपी एसपी इस बार मैं बोल जाता हूं मैं जी वो बोल रहा हूं क्राइम ब्रांच से कुछ करते हैं भाई कोई साइबर क्राइम का पकड़ो कोई अपना इन्फ्लुएंसर दोस्त हो ना उसके ऊपर करते हैं चलो ठीक है हर्ष बेनीवाल पे करते हैं हां बाप रे अननोन नंबर नहीं उठाएगा पर वो क्यों बाप रे कितना शैतान दिमाग है ना इस लड़के का मतलब आंटी का कैसा ही उस टाइम पे हाल हो रहा होगा लाइक आई कैन ओनली इमेजिन मतलब और ये भी नहीं था मतलब इतना जैसे वॉइस में ये बोल रहे थे लग भी रहा था कि भैया किसी पुलिस वाले का ही कॉल आ रहा है इतना सीरियस होके और लेकिन मतलब मेरे को भी मजा आने लग गया था कि यार अगर और आगे होगा तो क्या करेंगे आंटी लेकिन बाप रे भाई साहब दिमाग ना दिमाग बहुत चलता है इनका ओके इन्होंने पापा पे भी किया है पापा वाला भी मैं ज़रूर देखूंगी और हर्षबेनी वाले पे भी किया है अभी मतलब वही है प्रैंक डे चल रहा था तो पापा पे किया फिर उसके बाद मम्मी पे किया फिर उसके बाद हर्षबेनी वाले पे भी किया है तो मम्मी वाला तो आप लोगों ने मुझे बता दिया था लेकिन आपने मुझे पापा वाला और हर्षबेनी वाला नहीं बताया जो कि अब मेरा बहुत मन कर रहा है देखने का कि एक्चुअली उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा या उन्होंने पहचान लिया होगा कि नहीं पहचाना होगा आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट तो थैंक यू सो मच मेरे को इसमें बहुत मज़ा आया सीरियसली मतलब जो एक आंटी वाला जो पहले भी था प्रैंक और ये वाला भी पहले वाले से बहुत अच्छा था ये लेकिन यार बेचारी बहुत डर गई थी उनको ना हाथ पैर फूल गए होंगे किसी भी मम्मी पापा के हो जाएगा ऐसा कोई सुनेगा तो ऐसे लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चा तो शैतान है तो कुछ नहीं कर सकते ना ठीक है लेकिन एनीवेज ये सब सच नहीं था वो अच्छी बात है और ऐसा कभी होगा भी नहीं आई एम वेरी श्योर एंड या मुझे तो बहुत मज़ा आया और आई रियली होप आप लोगों को भी मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो और अगर मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना कॉमेंट करना शेयर ज़रूर कर देना एंड अगर आप नए आए मेरे चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट से मुझे और भी ऑप्शंस बताना कि मैं और किस पे आपको किस पे वीडियो चाहिए मेरी तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर